पहले हम ठीक है हो गए। यहां से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, यहां के विधायक और भावी विधायक, आपका मैंने देख लिया रवैया आपने बनाना है, जय तीर्थ दैया जी और सम्मानित मंच, बहुत सारे हमारे साथी हैं, प्रदीप है, सुरेंद्र दैया जी हैं, सारे साथी यहां बैठे हैं, पूरा सम्मानित मंच उपस्थित, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने दो बार जय तीर्थ दैया जी को यहां से चुन के भेजा है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ईमानदार और लगन से एक व्यक्ति, अपने इलाके का काम करने वाला आदमी, और ऐसे ऐसे दस विधायक हो जाएगा हरियाणा में तो हरियाणा पता नहीं कितनी तरक्की कर जाएगा। हमने देखा है इनको विधानसभा में जिस प्रकार से ये कहा, और भाई दूसरी बात, जहां आपने खड़ा करा था मजबूती के साथ खड़ा रहा, आपने मेरे साथ खड़ा किया था मजबूती के साथ खड़ा है, और यही कारण है कि सरकार बनी आपकी और अब के फिर ऐसा माहौल बन रहा है, फिर से अगर आप थोड़ा सा और आशीर्वाद रखो तो फिर से सरकार बनने जा रही है आपकी। मैं कल नारायणगढ़ से चला था, नारायणगढ़ से रादौर, लाडवा, पेवा, वो सारा इलाका वहां गया, हवा बदली हुई है, हवा बदली हुई है, क्योंकि 5 साल पहले 2014 में जो ये सरकार, आज मौजूदा सरकार है, ये जो हरियाणा में आज सरकार है, ये बहुत सारे वादे करके आई थी, इनका घोषणा पत्र देखो तो 154 वादे किए इन्होंने, किसान के लिए अलग, किसान को कहा था भाई हम स्वामीनाथन का भाव देंगे, गरीब आदमी के लिए अलग, व्यापारी के लिए अलग, कर्मचारी के लिए अलग, आज किसान को स्वामीनाथन का भाव तो छोड़ो बहुत दूर है, जो एमएसपी है वो भी नहीं मिल रही, उसमें भी अब जो जहां कपास पैदा करते हैं 5500 रुपए है सरकारी भाव, लेकिन 4800 मिल रहा है, जहां धान पैदा करते हैं वहां खरीद के भाई पीछे तक 200, 300, 250, 150 कम भाव में किसान लेके आए, और जो भाई बाजरा पैदा करते हैं उनमें कह देंगे मैं तो 5 क्विंटल लाएंगे, बाकी कहां ले जाएगा किसान, गेहूं में जाए जब दिक्कत, एमएसपी मिलने में भी दिक्कत, सूरजमुखी पैदा करते हैं उनको भी कहेंगे 5 क्विंटल लेंगे हम, जो सरसों पैदा करता है उसके भी कहेंगे हम तो इतने क्विंटल लेंगे, मतलब ऐसा तमाशा बनाया है। हमारी भी सरकार 10 साल रही, कभी भी एक दाना भी किसान का बगैर खरीद के नहीं गया, कभी ऐसी करने यूपी वालों में बेच के जाया करते, यूपी दाया करते, ये स्थिति, लागत लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी किसान की, लागत कैसे बढ़ा दी, हमारे टाइम में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स था, और डीजल पूरे उत्तर भारत में सबसे सस्ता था, यूपी वाले उर्दू भरवा के ले जाते, दिल्ली वाले उर्दू भरवा के ले जाते, पंजाब राजस्थान वाले यहां से भरवा के ले जाते, आज आप देखो हर चीज पर टैक्स टैक्स पर टैक्स, बहुत लंबी ये है लेकिन मोटी सी बात है भाई, जो खाद का कट्टा हमारे टाइम में 800 का था आज कितने का है, 1400 का, जो एक स्प्रे में एक एकड़ में 200 में चल जाती थी स्प्रे, आज कितने ही दवाई लेनी पड़े स्प्रे के लिए 1500 की, आज जो है डीजल डीजल जो 4500 का था 75 पार कर रहा है आज, ये तो सीट की बात करें तो 75 पार करेंगे, प्याज ने भी, टमाटर ने भी, डीजल ने भी, डॉलर ने भी 75 पार करने लग रहे हैं, इस स्थिति तो किसान का क्या हो, नतीजा यह हुआ कि पूरा आज मेरे हरियाणा का किसान कर्ज में डूब गया,
फिर गरीब आदमी की बात देखो, दलितों की बात देखो, हमने अपने कार्यकाल में 3,82,100 गज के प्लॉट दिए पूरे हरियाणा में, 3,82,000, और 10,00,000 पानी की टूटी SCBC में और 200-200 लीटर की टंकी दी। इनके 5 साल हो गए भाई, किसे था पूरा हकाया बैठा है, किसे गांव में प्लॉट दिया, प्लॉट दिया हो तो नाम बता दो और गांव बता दो। फिर कर्मचारी की बात देखो, कर्मचारियों से वादा था कि हम 50 समान वेतन मान देंगे, वो तो छोड़ो, जो इनका 7वें पे कमीशन में जो अचारों बनता था 6,000 करोड़, वो भी गायब कर दिया, वो भी नहीं दिया। 7वां पे कमीशन कहां से देंगे? शहर में जाता हूं व्यापारी से बात करूं, वो महाराज मुनाफा तो गया, हम तो पूंजी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कभी GST कभी नोटबंदी, ये फिर कुछ ना कुछ होने वाला, 2,000 करोड़ गायब हो रहा है, मार्केट में मिलता नहीं, पता नहीं क्या करते हैं। मतलब मेरा कहने का, कानून व्यवस्था देख लो, कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रही। 3 कत्ल होते हैं हरियाणा में, 5 बलात्कार, फरौतियां, डाके और आपका पेट्रोल पंप लूटना, बैंक लूटना, चलती गाड़ी का लूटना, ये आम बात होगी। और बदमाश गुंडे जो अपना करते हैं और चले जाते हैं, छाती ताने को टोकता नहीं, जैसे सरकार ही ना हो। हरियाणा में 66 में हरियाणा बना था, 66 से लेकर 2014 तक 80 आदमी पुलिस की गोली से नहीं मरे थे, जितने 2014 के बाद 80 से ज्यादा आदमी पुलिस की गोली से मार देंगे। ये सोचते हैं कि गोली और लाठी से सरकार चलती है, प्रजातंत्र में गोली लाठी से सरकारें नहीं चलती हैं, प्रजातंत्र में लोगों का दिल जीतने से सरकारें चलती हैं। तो आज ऐसा माहौल बना हुआ प्रदेश में, सरकार जो 2014 में हमने हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, विकास में नंबर 1 छोड़ के गए थे, नंबर 1 पे था, आज कहाँ है, आज पता नहीं है कहाँ है। नंबर 1 किस चीज में? आज नंबर 1 है अपराध में, नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सर्वे हुआ पूरे हिंदुस्तान में, आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। 2012 में बेरोजगारी की दर 2.8 थी और आज 10 गुना 28.7 हो चुकी है, 28.7। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में, तो ये इनकी स्थिति। अब भाई आपके लिए, आपका तो मैं सदा शुक्रगुजार रहूंगा, एहसानमंद रहूंगा कि आप लोगों ने सदैव आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, और जो भी मेरी हस्ती है तो भी मैं हूं आपके आशीर्वाद से, उससे और भी ताकत हो हमारी, नहीं तो सारे पीछे पड़ जाए भाई, दबा गया था तुम्हें सहारा देते हो, क्योंकि ये राजनीति है, सत्ता का झगड़ा है, सत्ता एक सेवा का साधन है। तो आज फिर समय आ गया, आज समय आ गया कि आज फिर हवा बदली है और आपके सहयोग की, आशीर्वाद की पहले से ज्यादा जरूरत है, ये जरूर है, ये जरूर है। आप मन में सवाल होगा, भाई ठीक है आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करोगे? देखो पीछे का रिकॉर्ड देख लो, जो मैंने कहा वो किया। एक चीज बता दो जो मैंने कहा और ना किया, चाहे बिजली के बिल माफ हो, चाहे किसान का कर्जा माफ हो, जो कहा वो किया, चाहे ये जो फसल ऋण का ब्याज 0% करा हो, छोटी बात नहीं है। तो हर हिसाब से 100-100 गज के प्लॉट की बात, जो कहा वो किया। तो आज कुछ बातें मैं यहां कह के जा रहा हूं, जो अपने घोषणा पत्र में भी डाली,
वो आपके हमारी सरकार बने तो करके दिखाएंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भाई, सरकार बनते ही जो इस सरकार की, जो मौजूदा सरकार की गलत नीतियों से जो किसान और गरीब आदमी कर्ज में डूब गया है, सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर अंदर इस प्रदेश के किसान का और भूमि की उसका गरीब आदमी का कर्जा माफ करेंगे। हम एक तमाशा इनने कर रखा है बिजली का, मीटर भार ला दो क्यों, मीटर खराब खरीद लो, जो मीटर हमने रिजेक्ट कर दिए थे उसी कंपनी को दे दिया, करोड़ों रुपए का कपला। तो बिजली के बिल कितने आवा तारे है? 10,000 से ऊपर ऊपर बिजली के बिल आते हैं, क्योंकि इनकी नीति और काम बिजली आवे कितने घंटे का मामा है? दिन में एक डेढ़ घंटा मुश्किल से, जबकि वादा था 24 घंटे देंगे। और आज हरियाणा में इतनी बिजली है आपकी मेहरबानी से, 10 साल आपने मौका दिया था हरियाणा का, 4 थर्मल प्लांट में लगा के गया हूं, 1 न्यूक्लियर प्लांट, आज इतनी क्षमता है उनकी 24 घंटे बिजली दे सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत नहीं है, लोड फैक्टर नहीं उठाते, वहां से पूरी बिजली नहीं बनाते, बाहर भेज देते हैं अपने किसान को, गरीब आदमी को नहीं दे सकते। तो ये बिजली का इनकी 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 नीति है, बिजली गुण अरबा फूल, ये कर रहे हैं ये। हमारी सरकार आ गई तो भाई बिजली फूल और बिल आधा। और जो 2 एकड़ के किसान हैं, 2 एकड़ या उससे कम के किसान हैं, उनका जो है बिजली फ्री। और जो गरीब आदमी है 300 यूनिट तक जैसे दिल्ली में है, उनका भी बिजली का बिजली फ्री। दूसरा इनमें एक हमारे जो बुजुर्ग हैं, सम्मान पेंशन जो थी, जब मैंने हमारी सरकार आई 2005 में, उस टाइम 100 थी, हमने बढ़ाते बढ़ाते 1,500 का वो किया, ये सरकार आई इसने फैसला पलट दिया, 1,000 कर दिया, और ये कह दिया कि हम बाद में 200-200-200-200 बढ़ाएंगे, हर साल 200-200-200 बढ़ाएंगे, बकरे के मंगन की तरह बढ़ाएंगे। कोई मतलब है जो वादा किया है पूरा करते? आज मैं वादा करके जा रहा हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन पहले बनने से बुढ़ेगी भी और बुढ़िया के भी 2100-2100 रुपये देंगे हम, ताकि सम्मान से रह सके, उनको सम्मान दो। तो आपके सामने है। और उम्र एक बार बताओ, सरकारी कर्मचारी 58 साल का रिटायर हो जाए तो बुजुर्ग को 60 साल की भाई उसकी उम्र घटाएंगे, 58 साल में पेंशन देंगे, और महिला को 55 साल में, क्यों? ये जल्दी बूढ़ी हुई ना, काम बहुत करना पड़ा, पूरा घर का बोझ इन पर है, इनको 55 साल में देंगे। और महिलाओं को खास ख्याल हमने दिया है इनमें, क्योंकि जो बीपीएल की महिलाएं, गरीब परिवार की महिलाएं हैं, और जो चूल्हा चौकी का काम करते हैं, उनको बड़ी समस्या रहती है, तो उनका तो हमने ये किया भाई सीधा उस महिला के नाम सीधा पैसा जाएगा 2,000 रुपये महीना, ताकि उसको रोज रोज इधर उधर न देखना पड़े। अरे हमारे बहन बेटियां भाई सभी हैं महिला, किसी को अपने पीर जाना पड़े, किसी को अपने ससुराल आना पड़े, कोई पढ़ने जाना पड़े, दिक्कत रहती है। किसी ने अपने पीर जाना हो तो पहला अपने घर वाले की तरफ देखेगा कि भाई कब किराया देगा, कब जाऊंगी, कब छुड़वा होगा। तो यह भी काम कर दिया भाई हरियाणा रोडवेज का, महिलाओं का कोई किराया नहीं लगेगा जैसे दिल्ली में कर दिया। और जो शेड्यूल कास्ट है, एक तो 100-100 गज के प्लॉट जो रह गए वो पूरे करेंगे, जो उनके बच्चों का वजीफा हमने किया था इनने उसमें घोटाला कर दिया, ये तो घोटालेबाजों की सरकार है बेचारे, आज इनके घोटाला गिराने लग जाओ, इंक्वायरी नहीं कराएंगे, माइनिंग का घोटाला अलग ले लो, ओवर लोडिंग का ले लो, आपका किलोमीटर स्कीम का ले लो, बिजली का मीटर खरीद का ले लो, दाल खरीद का ले लो, हर में घोटाला पर इंक्वायरी किसी की नहीं कराएंगे।
वक्त आओगे तो सबकी इंक्वायरी हो जाएगी, वो तो अलग बात। तो मैं कह रहा हूं, शुरू कास्ट है, उनके बच्चों का वजीफा हमने शुरू किया था पूरे हरियाणा में, और उन्होंने इसमें घोटाला किया। अब हम कह रहे हैं कि वो हमारी सरकार आएगी तो शेड्यूल कास्ट का बच्चा पहली कास्ट में दाखिल होगा ना, पहली से दसवीं तक उसको साल का 10,000 रुपए वजीफा देंगे हम, और दसवीं से बारहवीं तक 15,000, ताकि गरीब आदमी पर बोझ ना पड़े। दूसरा कर्मचारी स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा का नारा तो देना आसान है, लेकिन कर्मचारी नहीं लगाए। आपको याद होगा हमने एक काम से 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे गामा में, पहले नहीं होते थे। जब तक कर्मचारी नहीं होंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, कहां से सफाई होगी? अब हमारी सरकार बनेगी तो 50,000 सफाई कर्मचारी लगाएंगे, 35,000 गामा में और 15,000 शहरों में, ताकि उनका काम चल सके और हम साफ सुथरे सके। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई नौकरियों की बात देखिए, इस सरकार के समय में पूरे हिंदुस्तान में आप उठाकर देखो, सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का चेयरमैन कभी सस्पेंड नहीं हुआ, यहां हुआ, क्यों हुआ? और भी वो पकड़ी गई, उसके दफ्तर के नगद पैसा पकड़ा गया लेते हुए, आज भी जेल में वो, मतलब नौकरियां बेची हैं। जिस तरह परचून की दुकान में नौकरियां बिकती है ना, इस तरह इतने लाख दे दो इतने पावर, आप तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बड़ौली में वो बड़ा से उतना मेरा पट है उसका, क्यों बना है मेरा वो आज तक नहीं पता लगा। यही बंदा चल रहा था, नौकरियां बेची नहीं जाए सरकार में, और अब कह रहे हैं कि हमने 18,000 नौकरियां पारदर्शिता से दे दी, बगैर इंटरव्यू के दे दी। भाई जो 18,000 की बात कर रहे हैं, वो कौन है, कौन लगाए इनने? हमारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, जो एमए हैं, जो पीएचडी हैं, बीकॉम हैं, एमबीए हैं, उनको क्या लगाया भाई? तुम्हें बताओ, कपड़ा सी या पानी पीना? अभी थोड़े दिन पहले मैं भिवानी गया था, वहां रेस्ट हाउस में मैंने मीटिंग ली तो 4 आदमी आए, बोले जी बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं क्या हो गया? बोला जी हम तो रेस्ट हाउस में गए थे, हमने कहा भाई पानी पिलाओ हमारे को, बोला एक लड़की लेकर आई पानी, तो हम पानी पीने के लिए कार हुए तो एक आदमी ने बताया, बोला जो लड़की है ना हमारी बेटी, बोला ये एमए पास है, अरे पानी पीन बुला रखी रेस्ट हाउस में, तो बोला हमारा दिल कांपा, हम खड़े हुए, हमने हाथ जोड़े, बेटी पानी हम अपने आप पी लेंगे, तू रहने दे, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। तो ये उनका वो किया, इतना उनको बरगलाया है, अपमानित किया है आपके सामने, उससे दोहरा नुकसान हो गया कि जो लगने चाहिए थे बच्चे, जो दसवीं बारहवीं पास थे, जो आगे नहीं पढ़ सके किसी भी कारण से, गरीबी के कारण से और कोई कारण से, वो तो लगे नहीं, वो तो वंचित हो गए, और जो लगे वो अपमानित हो गए। एक बात बताओ, सब मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहां पे, अगर आप में ये पता हो कि आपका लड़का इंजीनियरिंग और एमएससी करके चपरासी लगेगा, तो कौन माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाओगा भाई? फिर तो बारहवीं की बात कह देगा, लग जा भाई, तमाशा बनाया इतना वो किया। और जहां पढ़े लिखे की बात आती है, आपने देखा होगा बिजली बोर्ड में, बिजली कंपनियों में 80 SDO वाला इंजीनियर, हमारा इंजीनियर है, यहां के बच्चे वो तो लगे 84, और 80 में से 2 फलाने के लगे, 78 बाहर के लगे। हमारे पढ़े लिखे तो मतलब 84, और बाहर के पढ़े लिखे SDO, इतना मतलब ये अंधेर खाता हुआ है सरकार के सामने, आपके सामने। भाई हमारी तो सीधी बात, हम रोजगार देंगे पूरे सबको, और जो पढ़े लिखे हैं हमारे बच्चे उनको अपमानित नहीं होने देंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए हैं बच्चे या उससे ऊपर हैं,
या तो उनको रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता। पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000 रुपये महीना और ग्रेजुएट को 7,000 रुपये महीना देंगे ताकि वो सम्मान से जी सके, कहीं अपनी नौकरी कर सके, तलाश कर सके। कर्मचारियों की बात है, जहां तक हमने पहले भी हमारा फैसला था जो इन्वर्ट किया, पंजाब के बराबर वेतन समान देंगे और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। आपका और जो सातवां आयोग का पैसा बकाया है इनका वो देंगे, उनका हक है तो देंगे। एक और तमाशा कर रखा है इनने, क्या आपने देखा होगा, अभी तो चुप है इलेक्शन तक की वजह से, कह दिया भाई तुम इलेक्शन में बात करियो अगर इनकी सरकार बनी तो, क्या मोटरसाइकिल की कीमत 15,000, जुर्माना 25,000, ट्रैक्टर की कीमत 60,000 जिसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती, फीस माफ है उसका जुर्माना 1,00,000, ऐसे कभी होना है? अरे जुर्माना तो अमेरिका के बराबर लगा रहे, तुम सुविधा पाकिस्तान से भी 72 दे रहे हो, कैसे चले जाएगा? तो वो कानून भी जो हम उसको रद्द करेंगे आपको, तो ये आपके सामने है। इसमें और बहुत सारी बातें हैं तो मैं मोटी मोटी बात बताई है, ये हमारी सरकार बनेगी तो ये करेंगे, जो पहले किया क्या के कहा किया, अब के भी जो कह के जा रहे हैं वो करेंगे। लेकिन आज खास तौर पर मैं यहां आया हूं यहां आपके पास निवेदन करने के लिए कि भाई यहां से जो आप हमारा विधायक है जयतीर्थ, इसको 36 बार में एक होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से नहीं जिताना आपने। एक एक विधायक की कीमत है, यूं उड़ रहा है, बस हवा चल पड़ी यूं उड़ रहा है। एक भी विधायक की कमी रहेगी तो उससे भाई सरकार बन भी सकती है, रह भी सकती है। बड़ी मुश्किल से सरकार आई थी खारी, फिर अब का मौका आ रहा है सरकार लाने का, वह मत खोना। जाओगे तो एक बात सुन लो भाई, जयतीर्थ को आप यहां से भेजो, मैं आपसे निवेदन करने आऊं, मैं उन नेताओं में तो होनी और नोटों की झोली भरकर ले जाऊं, मैं तो आज आया हूं हाथ जोड़ के थारे से कहने के लिए मेरी झोली वोटा दबर दियो भाई। हाँ मंत्री बनाने की वोटो वोटों से झोली भर दी भाई, बहुत अहम लड़ाई है और बहुत जरूरी लड़ाई है। और ऐसे विधायक आज कह रहा हूं मैं, बहुत काबिल आदमी है, सरकार बनेगी आपकी, सरकार बनेगी तो भाई खाली विधायक नहीं, सरकार में साझीदार होगा आपके विधायक, सारा विधायक क्या बस के काम करेगा, सब कुछ समझदार हो गया है, तजर्बा हो गया। हाँ जरूर जरूर, कोई बात तो नहीं है ये, कोई भाई पूरी कोशिश करी मेरी सेवा करने की, कोई कसर नहीं है, जब कसर मिटा देंगे तारीख की बात हुई। अब क्या लड़ाई दूसरी है, लड़ाई दूसरी है, राज लेना है कि नहीं लाना, थारा फैसला होना है बस। 36 बजा देंगे हुक्म जिताओगे, हाँ बड़ी खुशी की बात है। हमारा रवि रवि दैया ओलंपिक में कुश्ती में क्वालिफाई हुआ है, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत खुशी की बात है। और यही कारण है कि आज हरियाणा तरक्की कर रहा है। हमने तो प्रति व्यक्ति आए प्रति निवेश में खेल और खिलाड़ियों में नंबर एक छोड़ा था, इनने कुछ नहीं करा 5 साल, बातें आती इनको सिर्फ और कुछ नहीं आता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे को मालूम है आप बहुत देर से बैठे हैं, पसीना भी आ रहा है आपका, तो ये पसीना ये समझ लियो आपने गंगा स्नान कर लिया, खाली नहीं जाओगे राजनीति में जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।